हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड देखिए, ये हमारा वाटर लिली का प्लांट है। वाटर लिली भी फ्रेंड दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम नर्सरी से लेकर के आते हैं और दूसरा एक तालाब से लेकर के आते हैं। तालाब से लाया हुआ वाटर लिली फ्रेंड कभी भी छोटे टब में या छोटी जगह पे ग्रो नहीं हो सकता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। और जो हम नर्सरी से लेकर के आते हैं उसको हम टब में लगाएं, टैंक में लगाएं या किसी भी चीज़ में लगाएं, वो आसानी से ग्रो हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग अच्छी तरह से होगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने लाए हैं, ये नर्सरी का वाटर लिली है, येलो कलर का है। और ये हमने है ना तालाब से लाए हैं, तो जो ये हमारा पिंक कलर का वाटर लिली है। देखिए फ्रेंड, इसमें ये कल ये तो खिल करके है ना 2-3 दिन हो गया है, अब ये बंद हो गया है, ये खराब हो गया, अब ये खिलने वाला है। ये भी खिलेगा और ये भी खिलेगा। देखिए इसके पत्ते का साइज आप देख लीजिए, इसके पत्ते का साइज कितना बड़ा है। ये तालाब का वाटर लिली और ये नर्सरी से लाया हुआ है, इसके पत्ते का साइज देखिए फ्रेंड। ये देखिए हमारा, ये भी बड़ा वाला ही वाटर लिली है, हमने इसे टब में लगा रखे हैं। तो टब में लगाने के कारण है ना इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, पत्ते अच्छे से आते हैं, ग्रो भी बढ़िया से हो रहे हैं, पर इसमें कभी भी अभी तक फ्लावरिंग का कोई भी है ना निशान नहीं है कि हाँ फ्लावरिंग इसमें होगा। जबकि इसमें भी हम काऊ डंक भी डाले हैं, MPK और DAP भी हम डालते हैं, इसको बड़ा जगह चाहिए इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं कि कोई बड़ा सा चीज़ या टैंक में या कोई सा भी चीज़ में इसको बड़ी जगह दे ताकि ये फ्लावरिंग कर सके टाइम पे। फ्रेंड देखिए, ये वही छोटा वाला येलो कलर का वाटर लिली है, इसमें 2-3 बार फ्लावरिंग हो चुका है। ये देखिए, ये छोटे से बर्तन में भी हमने लगाए हैं, इसमें फ्लावरिंग हो गया है। हाँ, पर ये देखिए, ये लोटस है हमारा, ये लोटस है, ये तालाब से लाया हुआ लोटस है, वाइट कलर का है। इसको टब में लगा के रखे हैं तो एरिया लिप्स तो आ रहे हैं पर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो इसे ये पता चलता है कि जो तालाब से चीज है उसको बड़ा जगह ही चाहिए, बड़ा जगह मिलेगा वो खुश रहेगा, अच्छा से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा लोटस है, ये भी तो लोटस है, ये तो ये गुलाबी कलर का लोटस है, ये भी है ना, मतलब हमने बीज से खुद अपने घर में ही ग्रो किए हैं इसको और लगाए हैं। तो फ्रेंड देखिए इसके एरिया लिप्स इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हो गए। ये देखिए इसका ये बीज लग रहा है और इधर देखिए ये कली आया हुआ है, 8-10 इसमें फूल खिल चुके हैं और फिर भी अभी इसमें कली आया हुआ है। और इसके पत्ते देखिए फ्रेंड, आप देखिए कितने बड़े बड़े एरिया लिप्स आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज को अपन अगर अच्छा जगह देते हैं, फैलाव देते हैं, बढ़िया जगह देते हैं तो वो खुश होकर के बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा और अच्छा रहेगा। हाँ फ्रेंड, इसमें है ना टाइम टाइम पे आप 20 दिन में 25 दिन में MPK और DAP भी डालें। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं खाद की मात्रा और कितने दिन में देना है, आप उसको देख करके इस तरह से देखिए। काऊ डंक के साथ MPK और DAP भी देना बहुत जरूरी है इसमें, तभी ये अच्छा से फ्लावरिंग करेगा और अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड हमने कुछ और भी टब में लगा रखे हैं, तो फ्रेंड देखिए ये हमारा हमने और भी टब में लगा रखे हैं येलो कलर का वाटर लिली। ये देखिए ये हमारा सिंघाड़ा का पौधा है फ्रेंड, ये सब देख लीजिए। फ्रेंड देखिए ये वही पिंक कलर का वाटर लिली जो हमने है ना छोटे से बर्तन में लगाए हैं,
अभी इसमें देख रहे हैं आप, इसके पत्ते भी छोटे हैं और है ना, ये लग नहीं रहा है कि अभी फ्लावरिंग भी करेगा ये। फ्रेंड तो देख लीजिए आप, कभी भी है ना वाटर लिली को थोड़ा अच्छा जगह दें, बड़ा जगह दें, ताकि वो ढंग से फ्लावरिंग हो और उसको टाइम टाइम पे खाद देते रहें। तो फ्रेंड आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।